लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। भारत में कृषि उत्पादों को लेकर कई बड़े बड़े आविष्कार किए जा रहे हैं व पशुपालन, मच्छी पालन, मुर्गियों का पालन भी किया जा रहा है, पर मुर्गियों के पालन को ऑर्गेनिक तरीके से व उनकी देखरेख पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मोहन लाल कांसल जी की, जो पेशे से पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना के रिटायर्ड प्रोफेसर रह चुके हैं। इन्होंने यह अहम कदम इसलिए उठाया ताकि रोजाना के खानपान में बढ़ती मिलावट व उनसे होने वाली बीमारियों से बचा जा सके, शरीर को पोषक आहार मिले व स्वस्थ रहें। आइए आपको लेकर चलते हैं कांसल एंड कांसल एग्रो में, जो करनाल के नज़दीकी गांव गोहंड के नेशनल हाईवे 1 में स्थित है, और देखते हैं ऑर्गेनिक मुर्गियों के पालन पोषण से लेकर ऑर्गेनिक अंडों के मार्केट तक पहुंचने की पूरी कहानी। डॉक्टर कांसल जी समय समय पर मुर्गियों के पालन पोषण व कांसल एंड कांसल एग्रो फार्म की आवश्यकताओं का दौरा कर बतौर टेक्निकल डायरेक्टर नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करते रहते हैं। जैसे कि डॉक्टर कांसल ने मुर्गियों के फार्म में अपने वर्कर्स को खास तौर पर ट्रेनिंग दी है और प्रॉपर यूनिफॉर्म, मास्क, ग्लव्स और कैप भी दिए हैं, और इसे पहनकर ही फार्म में काम करने की हिदायत है। डॉक्टर कांसल जी की कांसल एंड कांसल एग्रो फार्म में मुर्गियों की फीडिंग के लिए कई बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है व मुर्गियों को पानी भी टेस्टिंग द्वारा बड़ी बड़ी मशीनों से ही दिया जाता है। सबसे खास बात यह है कि जिस पर हमेशा से ही बहस चली आई है वो यह है कि अंडे वेजिटेरियन होते हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन। बाकी अंडों का तो पता नहीं, लेकिन कांसल एंड कांसल एग्रो फार्म में बनने वाले प्रत्येक अंडे वेजिटेरियन होते हैं, क्योंकि इन मुर्गियों की फीड प्योर शाकाहारी व पौष्टिक है। इसमें किसी भी प्रकार के नॉन वेज जैसे कि मछली व हड्डियों का चूरा इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि आंवला, तुलसी, सोंड, नीम, ब्रिंगराज व 24 प्रकार के आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप ही बताइए कि ये अंडे नॉन वेजिटेरियन कैसे हुए? जब इनका खाना ही वेजिटेरियन है तो ये अंडे नॉन वेजिटेरियन कैसे हो सकते हैं? आपको बता दें कि 24 प्रकार के आयुर्वेदिक हर्ब्स द्वारा फीड तैयार कर ओमेगा 3 हर्बल अंडों का उत्पादन किया जाता है। साथ ही 16 प्रकार की हर्ब से डॉक्टर कांसल हर्बल अंडों का उत्पादन किया जाता है। समय समय पर अंडों व मुर्गियों की जांच भी की जाती है ताकि अंडों की क्वालिटी पर नज़र रखी जा सके। क्या आप इन अंडों के फायदों के बारे में जानते हैं? अब हम आपको बता दें कि यह हर्बल अंडों से कई चमत्कारी फायदे भी मिलते हैं। जैसे कोई भी पुरानी बीमारी हो उससे राहत मिलती है, जैसे इम्यून सिस्टम, ब्रेस्ट कैंसर, कद लंबा करना, बालों का झड़ना, कमजोरी, शरीर दर्द व कई अन्य बीमारियों को इन हर्बल अंडों के इस्तेमाल से दूर किया जा सकता है। मेरा नाम मोहनलाल कांसल है, मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। पोल्ट्री साइंस में हमारा थ्रू आउट लाइफ में काम किया हुआ है। रिटायरमेंट के बाद हमने ये पोल्ट्री का जो बिजनेस है वो शुरू किया। वर्ल्ड लेवल के फर्स्ट टाइम वर्ल्ड इन दी ऑर्गेनिक ओडरलेस एग्स जो हैं उनका प्रोडक्शन किया है। उसमें हमारे 4 ब्रांड हैं, होवा मेगा 3, डॉक्टर कांसल हार्बर ओडरलेस एग, वरुण एग एंड हैप्पी एग। तो ये जो एग हैं, एग्स हैं, टोटली एंटीबायोटिक से, पेस्टिसाइड से, एफ्लाटॉक्सिन से, हैवी मेडिकल रेजिड्यू से, साल्मोनेला ईकोलाई से, तो इन सब माइकोटॉक्सिन से ये सब से फ्री हैं। ये क्योंकि हमने जो 2 ब्रांड हमारे हैं ये ओडरलेस, इसमें कोई स्मेल नहीं आती। उसकी वजह इसमें हमने कि जो दाना है मुर्गियों का उसमें हमने 24 टाइप्स की जो हर्ब्स हैं, आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, वो डाली हुई हैं, और उन हर्ब्स की वजह से जो है इसमें स्मेल का पार्ट हमने रिमूव किया हुआ है। इस स्मेल की रिमूव करने के बाद इसका जो हम अंडा है इसका ड्रिंक बन सकता है, इसका एग जैम बन सकता है, इसकी चटनी बन सकती है, इसका जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, जैसे चाहे आम उसमें चाहे आपका मैंगो का टेस्ट लेना है या आपने कोई और टाइप का टेस्ट लेना है, वो टाइप के टेस्ट जो उसमें चाहे जैम है, चाहे चटनी है, चाहे ड्रिंक है, तो जिसको भी हमने टेस्ट लेना है, क्योंकि जो इसका टेस्ट है
अंडे का वैसे जो है जैसे दूध है इसका इसके तरह से इसका टेस्ट है, अगर उसमें जो टेस्ट हम डाल देंगे उस टेस्ट के हिसाब से हम डिफरेंट टाइप की जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम मैन्युफैक्चर करते कर सकते हैं। वर्ल्ड लेवल में हमारा ये पहला काम है कि हम अंडे को जो है ड्रिंक की फॉर्म में या चटनी की फॉर्म में या कंसंट्रेट ड्रिंक की फॉर्म में, अगर कंसंट्रेट है हमारा तो एक पार्ट कंसंट्रेट का और चार पार्ट जो है पानी के, दोनों को मिला के मिक्सचर कीजिए और घोल के पी जाइए। क्योंकि हमारा पर्पज़ क्या है कि इसमें जितने भी अंडे को बॉयल करते हैं या अंडे की भुर्जी वगैरह बनाते हैं उसमें जितने प्रोटीन्स हैं पहले वो डीनेचर हो जाते हैं, उनको रीडाइजेस्ट करना पड़ता है। पर हम इसको अगर इस फॉर्म में लेते हैं चाहे बच्चों को देते हैं तो उसका जैसे हमने ग्लूकोज बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है इमीडिएटली, जो जो जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं ये सारी चीज़ें अब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसमें हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो ओवा ओमेगा 3 में, और ये हमारा पर्पज़ क्या है कि एक तो फ्रूट है उस सब का भी हिस्सा है और दूसरा जो है अंडे का भी हिस्सा है, दोनों का जो कम्बिनेशन है उससे हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें प्रोटीन आ जाते हैं। जितने भी अदरवाइज़ जो जूस हैं बाकी चीज़ें हैं इन किसी में भी प्रोटीन का पार्ट नहीं आता, इसमें सिर्फ शुगर का पार्ट यानी कार्बोहाइड्रेट का पार्ट ही ज़्यादा होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए उतना यूज़फुल नहीं है, इसलिए हम उसको घटाना चाहते हैं। दूसरा है कि फैट का आमलेट बनाओ चाहे भुर्जी बनाओ उसमें हमें घी डालते हैं, वो हम घी को अवॉइड करना चाहते हैं कि घी जो है वो उसमें ना हो, और जो अंडा के ये तैयार हुआ है उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो हमारे दिमाग को ठीक करने के लिए हमारी बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज़फुल हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसमें हमने जो विटामिन के जो लेवल हैं उसमें जो नॉर्मल अंडा है उससे 4 गुना से 5 गुना ज़्यादा हैं, जिसके हमारी हेल्थ जो है एक विटामिन का कैप्सूल के टाइप से वो है। अगर अंडा खाते हो 2 अंडे खाते हो तो आपको सारे दिन में कभी भी आपको थकावट नहीं महसूस होगी, आपके बालों की ग्रोथ है या आपकी जनरल हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। हमने एक्सपेरिमेंट कुछ भी किए हैं कि कुत्तों पे अगर कुत्ते के बाल झड़ रहे हैं वो दरियों पे सारे लेड बाल हो जाते हैं क्योंकि उसमें भी एसेंशियल अमाइनो एसिड की बाकी चीज़ों की एसेंशियल फैटी एसिड की कमी हो जाती है, अगर वो हम दे देते हैं तो उससे क्या है कि उनका जो बाल दोबारा आ जाते हैं। इसमें एक ब्रिंगू राजा होता है तो ब्रिंगू राजा भी जो है वो ऑयल जो उसका ऑयल है हम कई दफ़ा रिकमेंड करते हैं अगर बालों पर लगाओगे तो आपके बाल दोबारा उग जाएंगे दोबारा आने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बेटर हेल्थ प्रोग्राम के लिए ये हमारा वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम का ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूटिलाइज अगर करोगे तो उससे नेचुरल हेल्थ मच बेटर रहेगी। हमारा जो ज़्यादातर जो सेटअप है कि इजी डेज जो हैं नॉर्थ के पंजाब में हरियाणा में हिमाचल में और इसी तरह राजस्थान में जितने भी इजी डेज हैं इवन के साउथ में भी कुछ इजी डेज हैं क्योंकि हमारा वॉलमार्ट के साथ पहले कोलैबोरेशन हुआ था उसके साथ इजी डे का कोलैबोरेशन था, अब ये फ्यूचर ग्रुप के साथ आ गया है और इसके बाद और भी नंबर ऑफ जो स्टोर्स हैं वो अप्रोच कर रहे हैं। वहाँ पे हमारा जो अंडा है मद्रास में बम्बई में बंगलौर में हैदराबाद में पूना में बाकी जो ये साउथ के पार्ट में वहाँ पर भी जाता है, वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और एजुकेटेड हैं वो हमारे अंडे को प्रेफर करते हैं यूटिलाइज़ करते हैं। हालांकि जो हैदराबाद है अंडों का गढ़ है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है पर वो हमारा अंडा जो है उसमें इनके गुणों के हिसाब से क्योंकि पेस्टिसाइड से फ्री होना तो अगर हम खाएंगे तो हमारे अंदर वो पेस्टिसाइड्स आ सकते हैं, अगर एंटीबायोटिक्स वाले अंडे हैं तो एंटीबायोटिक आ सकते हैं जो कि हमारी बीमार कई दफ़ा इसका फ़ायदा की बजाय हमारी बॉडी को नुकसान दे जा देते हैं, रेजिस्टेंस हो जाती है हम एंटीबायोटिक के बारे में। तो एंटीबायोटिक में रेजिस्टेंस होने से जो है हमारे जो हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दवाइयाँ क्योंकि जो मुर्गियों में दवाइयाँ यूज़ कर की जाती हैं वही ह्यूमन बीइंग में भी यूज़ होती हैं वही नाम की होती हैं, वो रेजिस्टेंस होने की वजह से वो जो दवाइयाँ हैं हमारे ऊपर असर नहीं करती, इसलिए गवर्नमेंट बार बार स्ट्रेस दे रही है कि एंटीबायोटिक से अंडे टोटली फ्री हो, इस तरह से पेस्टिसाइड से फ्री हो। इन टाइप की हेल्थ आज जो फ्यूचर के लिए
हमारी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। फार्म के वर्कर्स अंडों के तैयार होने के बाद उन्हें पैकिंग एरिया में ले जाकर अलग अलग अंडों की पूरी साफ सफाई के साथ अलग अलग पैकिंग करते हैं और इन्हें मार्केट के लिए रवाना किया जाता है। मेरा नाम रईसा जी, हम इस कंसल एग्रो फार्म पर काम करते हैं जी। हम ये अरबल अंडा बहुत साफ सफाई से लिया जाता है साइड में, था मुर्गियों की देखभाल अच्छी तरह से करते हैं, इसकी पैकिंग करके जी आगे भेजते हैं। मेरा नाम संतोष है जी, ये अंडा साइड से सफाई करके लाते हैं जी, इसको हम पैकिंग करके सफाई करके अच्छे से आगे भेजते हैं। इन हर्बल अंडों से मिलने वाले फायदों के बारे में कई डॉक्टर्स ने भी बताया कि यह अंडे हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। आए सुनते हैं इन डॉक्टर्स की राय। ऑर्नरी एग से अलग इसलिए है कि एक तो स्मेल नहीं है, ओडरलेस है, और टेस्ट में भी आई थिंक गलत वाला टेस्ट नहीं आता जो लेडीज को हमेशा डिटर करता है कि नहीं खाना। सेकेंड चीज है इट इज कंसिडर्ड वेजिटेरियन, जो हमारा ज्यादा कैडर लेडीज का आता है वो वेजिटेरियन है, एंड दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट के वेजिटेरियन एग्स हैं, हर्बल एग्स हैं, उनको हर्बल से समझ आता है कि समथिंग टू डू विद वेजिटेरियनिज्म, तो उसकी वजह से ये है। डेफिनेटली हमारे पेशेंट सारे आयरन डेफिशिएंट हैं। इसमें अनीमिया में जैसे फॉलिक एसिड, इसमें मोर क्वांटिटी देन काउ मिल्क एंड अदर एग्स, बेबी वेट भी बहुत अच्छा है इससे, ठीक है ना, रेगुलर प्रोटीन्स जा रही है, दे कंटेन मोर प्रोटीन्स, विटामिन ए वगैरह है इसमें काफी, विटामिन ई मोर, तो कंपैरेटिवली काउ मिल्क एंड अदर एग्स कंपैरेटिवली बेटर। कंसल्स एग्रो एग्स आर वेरी ब्यूटीफुल, जो उनके गुण है, जो उनके विटामिन है, जो कैल्शियम है, जो प्रोटीन्स है इन एग्स में, वो ओवरऑल हेल्थ को, पेशेंट की हेल्थ को बहुत अच्छा रूप देते हैं। वन, सेकेंडली जितने भी मैं ऑपरेशंस करता हूँ, फेशियल फ्रैक्चर्स के, या जिनकी हड्डियाँ टूटी होती हैं, या कहीं पे रसोली है, या कहीं पे ट्यूमर है, मैंने ऑब्जर्व किया है, नॉर्मली हमारा हीलिंग पीरियड कहते हैं कि 1.5 महीना से 3 महीना 6 महीना हड्डी जुड़ने में लगता है, लेकिन मैंने जिन जिन को पेशेंट्स को ये बोला है कि ये एग्स आप लीजिए, बिलीव मी कि जो हमने प्लास्टर खोलना था मुंह का 6 हफ्ते के बाद, उनको मैंने 4-4 हफ्ते के बाद भी खोला है, बोनी ओसिफिकेशन बहुत अच्छी है, हीलिंग बहुत अच्छी है, और जो क्वालिटी ऑफ बोन जो बनती है उसके बाद सीम्स टू बी क्वाइट रीजनेबल, सेटिस्फैक्ट्री, अच्छे परिणाम उसके आए हैं। किसी चीज को ठीक होने के लिए वो इन एग्स को लेने के बाद वो समय कम लगता है। देखिए जो एग है, इसको पहले वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, लेकिन क्योंकि जो ये ओमेगा वाले एग्स हैं, इनमें जो भी हम कीड़े उनको हैंस को जो भी इनको खाने के लिए देते हैं, दैट इज ऑल ऑर्गेनिक, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं एग्स से, लाइक कैल्शियम है, ओमेगा 3 है, दीज आर वेरी एसेंशियल नॉट ओनली फॉर द टीथ बट फॉर द होल ऑफ द बॉडी। इन अंडों के इस्तेमाल से फायदा मिलने वाले कनव कंसल ने भी बताया कि उनको इन अंडों के इस्तेमाल से क्या फायदा मिला। आए सुनते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कनव कंसल, माय ईयर ऑफ बर्थ इज 1997। 7 ईयर्स गो मेरी मॉम को बहुत टेंशन होती थी मेरे लिए, बिकॉज माय हाइट यूज टू बी वेरी स्मॉल, मेरी हाइट काफ़ी छोटी थी, मेरी छोटी बहन मेरे से 3 ईयर्स छोटी, उसकी हाइट मेरे से अच्छी होती थी, शी यूज टू बी वेरी टॉल देन मी। फिर मैंने एग खाना शुरू करे कंसल एग्रो के ओमेगा 3 एग्स, उससे मेरी हाइट पे बहुत इंस्टेंट इफेक्ट आया, नाउ आई एम 5'9" और मेरी बहन की हाइट मेरे से काफ़ी छोटी है 5'3". आई वॉन्ट टू थैंक यू डॉक्टर मोहनलाल कंसल फॉर द एग्स, जिससे मेरी हाइट, हेयर, इम्यूनिटी, मेरे मेंटल एबिलिटी, मेरा ब्रेन बहुत शार्प हुआ है, बहुत चीज़ों में कंसल एग्रो के एग्स, हर्बल एग्स ने, ओमेगा 3 एग्स ने बहुत इम्प्रूव करा मेरे को, थैंक यू। डॉक्टर कंसल ने इन ऑर्गेनिक हर्बल अंडों से कुछ रोज़ाना यूज होने वाली चीज़ों का भी उत्पादन किया है, जैसे जैम, चटनी और फ्लेवर शेक भी तैयार किए हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट व पौष्टिक हैं। और ख़ास बात यह है कि इन सभी स्वादिष्ट चीज़ों में से कोई स्मेल नहीं आती। आप यकीन ही नहीं कर पाओगे कि यह स्वादिष्ट व पौष्टिक चीज़ें इन हर्बल अंडों से बनी है। वहीं डॉक्टर कंसल ने करनाल में स्थित होटल उमंग में कुछ मेहमानों को अपने इन हर्बल अंडों व इनसे बनी जैम, चटनी व शेक को टेस्ट करवाया। इन सभी चीज़ों को टेस्ट करने के बाद
इन मेहमानों ने हमें बताया कि यह अंडे दूसरे आम अंडों से बिल्कुल अलग हैं और इन्होंने बताया कि अब वह यह अंडे रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे। मैंने ये अंडे से बना हुआ जो कंसल एग्रो का है जैम्स, इसको टेस्ट किया है और ये बहुत ही अच्छा है और ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही मतलब कि बहुत ही लाभकारी है और इसमें से कोई इस तरह से कोई स्मेल नहीं आती जैसे कि अंडे में से आती है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ये टेस्टी भी है बहुत खाने में अच्छा और आपके लिए हेल्दी है और इसको आप यूज़ कीजिए और इसको मैं भी बल्कि इनसे लेके जा रहा हूँ और अभी घर भी लेके जाऊँगा और इसको यूज़ भी करूँगा, प्रॉपर यूज़ करूँगा। आप भी यूज़ कीजिए, मेरा आपसे यही सजेशन है कि आप इसको यूज़ कीजिए और इसका प्रयोग कीजिए अपनी दिनचर्या के काम में। हाय, माय नेम इज शीतल। आज कंसल एग्रो आई है हमारे यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। इन्होंने हमें टेस्ट करवाए अपने वेरियस शेक्स जो कि बहुत ही लाजवाब है और वो उनका बेस्ट पार्ट ये है कि वो एग से बने हैं और उनमें एग की स्मेल भी नहीं आती जो कि बहुत ही एक नेगेटिव पॉइंट रहता है और ये बहुत हाई फाइबर के हैं। हमने इनके ये जैम ट्राई किया विच इज़ वेरी वेरी गुड, तो मैं अपने घर ये स्पेशली लेके जा रही हूँ और अब मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी अपने घर ज़रूर लेके जाएं। आज हमने ये जो जूस लिया है बहुत टेस्टी और अच्छा था, इसमें प्रोटीन एनर्जी होती है और चटनी का भी टेस्ट किया है बहुत अच्छी थी और हम पहले भी इसको ले चुके हैं, आज भी हमने लिया है, बहुत अच्छा टेस्ट था। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, इसमें हाई लेवल की प्रोटीन है और फाइबर भी है। मेरा सजेशन ये है कि आप इस प्रोडक्ट को अपने बच्चों को दीजिए और महिलाएं के लिए बहुत अच्छा है, हाई लेवल के प्रोटीन है और ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप इसमें कोई स्मेल नहीं है इसमें इसको आप आसानी से ले सकते हैं। हेलो, माय नेम इज़ शीतल एंड मैं आपको एक इस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ जो एग से बना है, पर इसमें एग की कोई स्मेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मतलब ये होता है कि स्मेल की वजह से कई लोग नहीं खाते, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें एग के सारे प्रोटीन्स और न्यूट्रंस जितने भी होते हैं वो सब कुछ है, तो आप इसको आसानी से ले सकते हैं। इसके बहुत सारे और भी कई प्रोडक्ट्स हैं जैसे शेक और चटनी वगैरह, वो आप ले सकते हैं। मैं इसको ज़रूर यूज़ करूँगी अपने घर पर एंड सजेस्ट करूँगी कि सब भी इसको यूज़ करें क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स। हमने आज इसको टेस्ट किया है, ये बड़े टेस्टी है, हेल्थी है, न्यूट्रिशंस है और मैं सभी को यही सलाह देना चाहूँगा कि आप सभी इसको यूज़ कीजिए और ये एक लंबे समय तक चलता है, काफ़ी टाइम तक ख़राब भी नहीं होता, तो आप इसको अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए, यंग जनरेशंस के लिए ये वेरी गुड है, हेल्थी है। यह हर्बल अंडे मार्केट में इजी डे जैसे बड़े सुपर मार्केट में उपलब्ध हैं और जल्द ही आपके नज़दीकी मार्केट्स में भी उपलब्ध होंगे। हम भी आपको यह अपील करते हैं कि आप इन हर्बल ऑर्गेनिक वेज अंडों को इस्तेमाल करें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखें। डॉक्टर कंसल से बात करने व यह अंडों को मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।